एक सुंदर सुबह जंगल में राजा शेर, रानी बंदरी और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ धूमधाम से चल रहा था। एक अजीब सा पेड़ उनकी राह में आया। ये पेड़ बात करने की क्षमता रखता था। राजा शेर ने पेड़ से पूछा, तुम कौन हो और हमें कहाँ जाना चाहिए? पेड़ मुस्कुराया और कहा, मैं एक विशेष पेड़ हूँ और तुम्हें एक महान सफलता प्राप्त करने के लिए मेरी मदद चाहिए। रानी बंदरी ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, हम भी महान सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। पेड़ ने सभी को एक महान खोज के लिए भविष्यवाणी की। उन्होंने राजा शेर को कहा, तुम्हें एक बड़ा सागर पार करना होगा और वहाँ तुम्हें एक राजा के साथ बातचीत करनी होगी। राजा शेर ने ये सुनते ही अपनी सेना को संगठित किया और सागर की ओर बढ़ा। सागर पार करने के बाद राजा शेर ने एक सुंदर राज्य में राजा से मिला। वहाँ एक सबसे बड़ा खजाना था जिसे वह अपने जंगल में ले आया। सभी जंगलवासी बहुत खुश थे क्योंकि उनके जंगल की दौलतें बढ़ गई थी। इसके बाद रानी बंदरी ने भी एक बड़ा पेड़ पार करने के बाद एक सुंदर राज्य में रानी से मिला। उसने एक शिक्षा केंद्र खोला और अपने बच्चों को पढ़ाई करने का मौका दिया। अब आता है छोटे छोटे बच्चों की कड़ी। वे भी एक अजीब से पेड़ के पास गए और पूछा, हमें क्या करना चाहिए? पेड़ ने कहा, तुम्हें एक आत्म अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। बच्चे ने इस पर विश्वास किया और वह बड़े होकर अपने माता पिता की उत्तमी बने। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए हमें मेहनत, साहस और सामंजस्य की आवश्यकता होती है। ये हमें ये भी दिखाता है कि हमें अपने मकसदों की प्राप्ति के लिए संयमित रहना चाहिए।